हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन टिप्स। आज हम लोग समर स्पेशल रेसिपी बनाने वाले हैं। समर में इजीली अवेलेबल रहने वाला फलों का राजा आम, उसके आज हम लोग बनाने वाले हैं मिल्क शेक। हेल्दी और डिलीशियस ऐसा मिल्क शेक बनाना शुरू कर देते हैं। मैंगो मिल्क शेक बनाने के लिए हम लोगों ने लिए है कुछ पके हुए आम, केसर यानी कि सैफ्रॉन, शक्कर, दूध और वेनिला इसेंस। केसर ऑप्शनल है, आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आम को काटने की। मैंगो मिल्क शेक बनाने के लिए हम लोगों को ज़रूरी है मैंगो का पल्प। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मैंगो पल्प। इसे निकाल के डायरेक्ट हम लोग मिक्सी जार में ऐड करेंगे। आम को काटने के बाद कुछ इस तरह उसके ऊपर कट मारने के बाद हम लोग एक चम्मच की मदद से उसका पल्प निकाल लेते हैं। हम लोगों ने सारी चीज़ें एक ग्लास मैंगो शेक बनाने के हिसाब से ली है। मैंने लगभग 2 कप दूध लिया है। टेस्ट के हिसाब से हम लोग शक्कर भी ऐड करेंगे। अगर आपको गाढ़ा मैंगो शेक पसंद है तो आप आम ज़्यादा डालिए। मैंने एक ग्लास के हिसाब से लगभग इतना बड़ा पीस का मैंगो पल्प और उसी के साथ थोड़ा सा और मैंगो पल्प डाला है। इसमें हम लोग टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी शक्कर डालेंगे और लगभग मैंने कुछ ड्रॉप्स इसमें वेनिला एसेंस डाला है। यह ऑप्शनल है, ये एक्स्ट्रा फ्लेवर देता है मैंगो मिल्क शेक को। सबसे पहले इनको हम लोग पीस लेते हैं। इनको पहले पीसने की वजह ये भी है ताकि मैंगो की कोई पीसेस इसमें नहीं बचे और पूरा मैंगो का स्मूथ पेस्ट बन जाए, कुछ इस तरह। चलो अब इसमें हम लोग दूध डालते हैं। मैंने 2 कप दूध डाला है। इसके साथ हम लोग इसमें थोड़ा सा केसर भी डालेंगे। इन सबको डालने पर चलो अब इसे भी पीस लेते हैं। आम को हम लोगों ने पहले पीस लिया था और उसी की वजह से अब ये मिल्क शेक बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। अगर आपको मिल्क शेक बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें और थोड़ा दूध या फिर चिल्ड वाटर या फिर आइस क्यूब डाल के भी इसे पीस सकते हैं। मैंने लगभग इतना गाढ़ा मिल्क शेक बनाया है। मिल्क शेक फ्रेश बनाकर फ्रेश पीना ही अच्छा होता है, लेकिन अगर आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं ताकि जब मन करे तब आप इसे निकाल के पी सकते हो। मैंने इसे एक ग्लास में सर्व कर दिया है। इसे हम लोग कुछ ड्राई फ्रूट्स और सैफ्रॉन के साथ यानी कि केसर के साथ गार्निश करेंगे। आप चाहे तो मिल्क शेक में आइसक्रीम डाल के भी इसे पी सकते हैं। ऐसा करने से इसका टेस्ट और भी बढ़िया लगेगा। समर स्पेशल मैंगो यानी कि आम का मिल्क शेक पीने के लिए रेडी है। अगर आम मीठे हैं तो आपको शक्कर कम डालनी पड़ेगी। अगर आप चाहें तो शक्कर कम्प्लीटली अवॉइड करके इसमें हनी यानी कि शहद भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।